हेलो फ्रेंड्स, मेरे ग्रीन लाइब्रेरी चैनल में आपका मोस्ट वेलकम। और आज की जो वीडियो है, मेरे जो मैंने नर्सरी से प्लांट खरीदे हैं, फ्लावर प्लांट और न्यू, वो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। और थोड़ा बहुत जो पहले खरीदे थे पुराने वाले, उनका भी दिखाऊंगी। और ज़्यादातर मैं जो न्यू फ्लावर है उन्हीं को दिखाऊंगी। आइए मेरे साथ आज तक बने रहे। और ये देखिए, ये मैंने ये जो बुद्धा जी ये प्लांटर है, बुद्धा प्लांटर, ये मैंने खरीदा है। और बहुत प्यारा है, इसका लुक देखो कितना प्यारा है, बहुत ही सुंदर है। और एक मैंने ये खरीदा है, ये केतली वाला, ये डोगी वाला, ये भी देखो कितना प्यारा लग रहा है। इसमें छोटे छोटे ये सेकंड लैंड रखे हैं। और ये इन पे अभी फ़िलहाल तो मैंने ये पोइनसेटिया लगाया हुआ है रेड कलर का, ये भी प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, खूबसूरत सा। और अब मैं दिखाती हूँ आपको फ्लावर जो मैंने लिए हैं। ये देखो, ये स्टॉक है, स्टॉक फ्लावर कितना खूबसूरत है और पर्पल कलर का है, बहुत ही प्यारा सा है। पहले भी मैंने खरीदे थे, लेकिन ये मेरा ये नया वाला है, अभी परसों ही खरीदा है मैंने। और एक ये देखो, ये वाइट वाला मैंने पहले खरीदा था, ये भी बहुत खूबसूरत है, ये मुझे अच्छा लगा तो इसलिए मैंने अब इसको भी बाय कर लिया। ये कलर नहीं था मेरे पास। और एक ये वाला कलर था, ये देखो कई महीने हो गए, 2-3 महीने, और ये पहले पुराने हो चुके थे फूल। अब ये जो मैंने काट दी थी बंच पुराने फ्लावर की, तो इस पर न्यू बन गए, कितने सुंदर लग रहे, देखो खूबसूरत है। कई सारे हैं मेरे पास अभी, ये 4 हो गए हैं स्टॉक प्लांट के, और ये देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और एक मैं आपको न्यू फ्लावर दिखाती हूँ अपना, ये देखो ये रेड फ्लावर, और पता चल ही गया होगा आपको देख के, तो ये एक लंबी सी स्टिक पे आया हुआ है। इसकी पत्तियाँ तो झड़ जाती हैं जब ये फ्लावर आता है, बाद में इसकी पत्ती जो है पुरानी होकर वो सारी झड़ जाती है, और बस इस तरह का ये फ्लावर रह जाता है। ये देखो, इसका नाम है ये फायर बोल, इसका नाम फायर बोल है, बहुत ही प्यारा है। देखो ये बोल का रूप ले लेता है रेड कलर का, हालांकि ये भी इसी तरह होता है जैसे ये लिप्स होती है ना, इसकी रेड हो जाती है, इसी तरह ये भी इसकी ये लिप्स है, लेकिन ये फ्लावर जैसा ही होता है इसका। और जो ग्रीन लिप्स होती है वो ये गिर गई है इसके, और ये बाद में मैं क्या करूँगी, इसको जो फ्लावर ये खराब हो जाएगा यहाँ से काट के, तो यहाँ से नई नई ब्रांच आ जाएगी और फिर इसकी हम कटिंग भी लगा सकते हैं। और ये देखो, ये मेरे कितने खूबसूरत फ्लावर है। ये देखो, एक ये है और एक ये है, ये प्राइम रोज है। कलर इसमें इतना सुंदर आता है, बहुत ही अच्छे अच्छे कलर आते हैं इसमें। ये देखो, ये पिंक कलर और वाइट का कितना प्यारा है, बहुत ही सुंदर लगता है। और इसमें फूल भी अभी आ ही रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं फूल। देखो एक ये है, इसमें भी काफ़ी बढ़ गए, पहले मैंने दिखाया था आपको, तो देखो इस पर भी कितने सारे बढ़ गए येलो कलर का। और एक ये है मेरा, ये डार्क पिंक कलर है, ये भी कितना प्यारा है। और एक ये मेहरूम, ये बाय किया है मैंने, ये मेहरूम कलर का, ये भी कितना सुंदर है। और एक ये वाला है, ये 4-5 कलर है मेरे पास। और एक ये मैंने ये पेंजी का बाय किया है येलो कलर का, ये भी अच्छा लग रहा था मुझे। और ये देखो इसके ये देखो, ये तो इतने सारे हैं मेरे पास, बहुत ही सारे हैं। ये पिटोनिया की, और कलर इसमें देखो ना कितना प्यारा, इसमें इतना कैमरे में सुंदर नहीं लग रहा है, और वैसे अगर हम रियल देखते हैं इसको तो ये बहुत ही प्यारा लगता है। और ये पिंक कलर का है, छोटा सा प्याजी कलर जो होता है, ये देखो ये छोटे से इसमें रखा, कितने प्यारे लग रहे। और ये मेरे पुराने ही हैं सब, ये सेंसवेरिया, ये सारे, ये देखो अभी फिलहाल तो आपको फ्लावर ही दिखा देती हूँ। और ये देखो, ये सेवंती का, ये भी कितना खूबसूरत है। और ये देखो, ये बेगोनिया की, मेरे बेगोनिया का अभी भी चले हुए, ये वाइट कलर का है, ये पिंक और वाइट कॉम्बिनेशन है इसमें, और ये रेड कलर है, एकदम रेड कलर जो होता है, ये देखो। और ये मेरा ये पिंक कलर है, ये भी सुंदर है, ये 4-5 है मेरे पास, ये देखो कितने प्यारे हैं। और ये कलेंचो तो मुझे इतना सुंदर लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसका जो फ्लावर होता है ये कम से कम 3-3 महीने तो मुझे भी देखे हुए जाते हैं, मुझे ज़बरदस्ती उनको छुड़ाना पड़ता है। जैसे ये अभी है इस पर, ये 3-4 महीने से मैं देख रही हूँ इस पर, ये है, और मैंने अभी इनको
काट दिया सबको, बहुत सारे थे ये गुच्छे में, देखो ये इतने सारे थे, ये मैंने इसी में सब लगा दिए हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं ये देखो, कितना सुंदर लग रहे हैं, और इसी में लगा दिया मैंने तोड़ तोड़ के इसमें। ये कलेंचो का भी जो है बहुत ही सुंदर होता है, अगर आपको ये पसंद है तो इसको ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। और ये आपको मैं पिटोनिया के कलर दिखा देती हूँ, दो मेरे पास ये है और एक ये रेड कलर है, ये भी बहुत सारी है मेरे पास, ये देखो ये रेड कलर है, और ये कुछ ये रानी कलर जो बोलते हैं मजेंटा कलर, ये देखो ये बहुत ही सुंदर है, और ये एकदम पर्पल डार्क है, ये देखो कितना पर्पल डार्क, ये देखो कितना प्यारा, बहुत ही खूबसूरत है। और कम से कम 10-12 है मेरे पास ये इसके कलर पिटोनिया के। और ये देखो ये कैलेंडोला का है, ये येलो कलर का, ये भी खूबसूरत है। ये मेरे पास कई सारे हैं, दो पे ही फिलहाल फूल आ रहे हैं, कुछ तो मैंने सैपलिंग ली थी वो लगाई थी, एक ये वाला है और एक ये वाला है, ये भी कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब मैं इधर को दिखा देती हूँ आपको, देखो ये स्टोक के, और ये सेवंती का, ये भी कितना प्यारा कलर है, कलर बहुत प्यारे आते हैं सेवंती में, मन खुश हो जाता है। इस साल तो मैंने खरीद के लगाए थे और कुछ मेरी कटिंग थी उसको लगाए थे, लेकिन इस बार मेरे अगली बार जो सीजन में होंगे मेरे पास बहुत सारे होंगे। ये देखो पहले वाइट कलर होता, कितना प्यारा कलर है, कितना सुंदर है, और फिर इसमें ऐसा कन्वर्ट हो जाता है पिंक कलर में। और ये मेरा अजेलिया, अजेलिया का भी एक खूबसूरत प्लांट होता है, फ्लावर देखो कितना प्यारा है, बहुत ही सुंदर है। ये मेरे पास अजेलिया के दो हैं, एक ये वाइट है ये देखो, और ये कई दिन तक लगा रहता, एक बर्ड्स होती है और फूल दो निकल के आते हैं, एक बर्ड से देखो ये एक बर्ड से, और इसके फिर बाद में जब खिलेगा तो दो इसके फूल बन जाते हैं इस तरह, एक ये एक ये, अब बड़े बड़े बन जाते हैं देखो कितना सुंदर है ये। और एक ये है स्टोक का, ये देखो ये है मंकी, सीप मंकी, ये बहुत ही सुंदर फ्लावर है, खूबसूरत, ये कुछ मंकी जैसी शेप में इसका फ्लावर होता है इस तरह, देखो मैं दिखाती हूँ इस तरह से, मैंने भी ध्यान से देखा था तो मुझे भी इसमें मंकी नजर आने लग गया था, उसका मंकी का फेस, ये देखो मैं दिखाती हूँ आपको कुछ इस तरह से, जैसे ये दो आंखें हैं अंदर से, ये देखो अब दिख रहा है मंकी जैसा फेस। तो ये मेरे पास तीन कलर है, एक ये है मेरे पास ये रेड कलर, ये प्यारा है, ये थोड़ा अलग है, अभी फूल इस पे शुरू ही हुए हैं अभी, ये देखो ये वाला, और ये देखो एक मेरा इधर रखा है पिटोनिया का, ये कलर भी कितना सुंदर है, ये भी मैंने अभी बाय किया है कुछ दिन पहले ही, अभी परसों ही किया है, ये भी कलर बहुत सुंदर लगा तो मैं इसको भी लेके आ गई, कम से कम 10-12 से भी ज़्यादा होंगे मेरे पास ये पिटोनिया के। और ये देखो इम्पेशंस, ये भी मैंने बहुत सारे कर लिए अपने पास, ये देखिए रेड कलर का, ये भी मैं लेके आई अभी कुछ दिन पहले, और ये मेरा सेवंती का, ये भी मैंने नया ही खरीदा था क्योंकि अपने जो है गार्डन में बढ़ाने के लिए ये फूल नहीं था मेरे पास, इसलिए मैंने बढ़ाने के लिए ये वाला कलर भी ले लिया, हालांकि ये खिला हुआ था फिर भी मैंने सोचा चलो ले लेते हैं क्योंकि अगले साल के लिए हो जाएगा ये। और ये देखो ये फोलोक्स, ये फोलोक्स है, ये भी कितना अच्छा खिल रहा है, ये देखो ये ऐसे बंच जैसी बनती है, देखो छोटे छोटे ये प्यारे से कितने लगते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। और ये वाइट कलर का है, ये पहले लिया था मैंने, और एक ये लिया है अभी, ये फिलहाल में अभी लिया है, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये देखो ये फोलोक्स है, एक मेरा दो थे मेरे पास फोलोक्स, एक मेरा ख़त्म हो गया क्योंकि वो पहले से ही बहुत कमज़ोर था, तो प्लांट जब लाओ तो हेल्दी प्लांट लाओ तो अच्छा रहता है, तो एक ये कलर, लेकिन ये खिल रहा है इस पर बराबर। और मैं जो है ये दो मेरे पास कार्नेशन है, ये अभी लेके आई, ये देखो कितने प्यारे रेड कलर के हैं इसमें, और अभी कितनी सारी बड्स बनी हुई हैं इन पर खूब सारी, अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हो
तो इसको इसकी कटिंग लगा सकते हैं, बड़ी इजीली इसकी कटिंग लग जाती है। और छोटी सी कटिंग लो यहाँ से, इतनी सी जरा सी, ये तो बहुत बड़ी है, और आप लगा सकते हो। मैंने भी कई सारी लगाई हैं, और एक ये ऑरेंज कलर है, ये पहले ही था मेरे पास, और ये मैंने अभी नया ख़रीदा है। कितना प्यारा लग रहा है।